और राजस्थान के जीवन में टूरिज्म की बहुत बड़ी ताकत है। विश्व भर का टूरिस्ट राजस्थान से परिचित है, दुनिया के टूरिस्ट को पुष्कर के मेले में आने का मन करता है, दुनिया के टूरिस्ट को झील की नगरी उदयपुर में आकर के समय बिताने का मन करता है, दुनिया भर के टूरिस्ट को जैसलमेर के पास मरुभूमि में जाकर के एक नई जिंदगी का एहसास करने का मन करता है। किसी को श्रीनाथ जी आना है, किसी को एकलिंग जी आना है, अनगिनत राजस्थान के हर कोने में टूरिज्म को आकर्षित करने की इनहेरेंट ताकत पड़ी हुई है। एक ऐसी मैग्नेटिक पावर है जो न सिर्फ हिंदुस्तान के कोने कोने से दुनिया से यात्रियों को खींचने की ताकत रखती है। और जब टूरिस्ट आता है ना, तो वो जेब खाली करने के लिए आता है और यहां के लोगों का जेब भरने के लिए आता है। और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम से कम पूंजी निवेश से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। हर कोई कमाता है, फूल बेचने वाला कमाएगा, प्रसाद बेचने वाला कमाएगा, पूजा का सामान बेचने वाला कमाएगा, ऑटो रिक्शा वाला कमाएगा, टैक्सी वाला कमाएगा, गेस्ट हाउस वाला कमाएगा, हैंडीक्राफ्ट बेचने वाला कमाएगा, चाय बेचने वाला भी कमाएगा। ये ताकत जिस राज्य में है, लेकिन अगर ट्रैफिक जाम रहता है, रास्ते टूटे फूटे हैं, गड्ढे से भरे हुए हैं, कोई प्रॉपर साइनिंग नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, सही से स्थान स्थान पर पेट्रोल पंप की सुविधा नहीं है, तो टूरिस्ट एकाध बार तो आएगा लेकिन जल्दी से जल्दी वापस जाने के लिए सोचता रहेगा। ये 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सिर्फ जमीन पर रास्ते नहीं बना रहे हैं, वो राजस्थान के भाग्य के रास्ते खोल रहे हैं, ये मैं साफ देख रहा हूं भाई।